नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2 जून निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को एक खास चीज़ खिलाएं और कामधेनु अनुष्ठान कैसे किया जाता है और उसको करने से कैसे किस्मत खुलती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष ये व्रत 2 जून 2020 को है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस व्रत को पांडवों में से एक भीमसेन ने बिना जल और बिना कुछ खाए रहकर किया था, जिससे उन्हें पूरे साल की एकादशी के व्रत के बराबर एकादशी का फल मिला था। दोस्तों इस व्रत को करने से समस्त साल की पूरे वर्ष की एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों निर्जला एकादशी का हमारे शास्त्रों में हिंदू धर्म में बेहद ही ज़्यादा महत्व है और निर्जला एकादशी के दिन किए गए उपाय आपके भाग्य को चमका देते हैं। ये उपाय बेहद जल्द अपना असर दिखाते हैं और ये बेहद ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय माता को एक खास चीज़ खिलाएं और कामधेनु अनुष्ठान करें तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है वो तुरंत पूरी होगी और आपकी आंखों के सामने आप ये चमत्कार देखेंगे। दोस्तों कामधेनु अनुष्ठान करने से कितनी भी बड़ी और कितनी भी पुरानी अगर कोई मनोकामना है आप जिसके बारे में सोच रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं उसके बारे में मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो कामधेनु अनुष्ठान करने से वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। साथ ही कामधेनु अनुष्ठान करने से ज़िंदगी में आ रही बड़ी बड़ी बाधाएं धंधे में हो, चाहे आपकी पर्सनल पारिवारिक हो या आर्थिक रूप से हो, कैसी भी बड़ी समस्याएं हो कामधेनु अनुष्ठान और निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को खास चीज़ खिला देने मात्र से भी, ये उपाय कर देने से मात्र से भी वे सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन आपने ये व्रत करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, ये हम पहले कामधेनु अनुष्ठान करेंगे उसके बाद गाय माता को कुछ खिलाएंगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जो कामधेनु अनुष्ठान है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी वो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उसमें दोस्तों एक कलश चाहिएगा तांबे का, एक कांसे का बर्तन चाहिएगा और सोने या चांदी की गाय की एक प्रतिमा चाहिए। आप किसी भी नज़दीकी दुकानदार से जाकर, सुनार की दुकान से आप चांदी की गाय की प्रतिमा भी ला सकते हैं। गंगा जल लेना है, 7 प्रकार के धान लेने हैं, सर्वौषधि लेनी है, सफ़ेद वस्त्र लेना है, एक चांदी का सिक्का लेना है, देसी घी लेना है, एक दीपक लेना है, एक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा लेनी है, नैवेद्य लेना है, फल लेना है और दुर्वा घास आपने लेनी है। अब दोस्तों ये सुबह जल्दी होना चाहिए, ये पूजा सुबह जल्दी ही की जाती है। तो आपने निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद अपने सभी नित्य कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है और घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर उसे पवित्र कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने घर के मंदिर के आगे एक चौकी स्थापित करनी है, चौकी बनानी है और उस चौकी पर उस कांसे के बर्तन को स्थापित करना है। ध्यान रखना है कांसे को बर्तन को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लेना है, उस पर भी गंगा जल का छिड़काव करना है और उस चौकी पर उस कांसे के बर्तन को स्थापित कर देना है। अब दोस्तों उस कांसे के जो बर्तन आपने रखा है चौकी पर उसमें 7 प्रकार का धान एक एक करके डाल देना है।
और दोस्तों उसके बाद स्वर्ण मोती भी डाल देना है। अब दोस्तों जो कांसे का बर्तन रखा है उसमें धान डालने के बाद उस वस्त्र से एक वस्त्र लेना है और उस कांसे के बर्तन को ढक देना है। उसके बाद दोस्तों तांबे का कलश लेना है, वो भी स्वच्छ कर लेना, साफ़ कर लेना है। उसके बाद लेना है और उस कलश में गंगा जल भर देना है। गंगा जल भरने के बाद उस कलश को दोस्तों उस स्थान पर रख देना है। और दोस्तों आपने जो चांदी का सिक्का लिया था वो सिक्का उस तांबे के कलश में डाल देना है। अब आपने सर्वौषधि लेनी है और उस औषधि को भी तांबे के बर्तन में डाल देना है। अब दोस्तों जो कांसे का बर्तन था उसके ऊपर आपने जो सफ़ेद वस्त्र बिछाया था उस सफ़ेद वस्त्र पर चांदी की जो गाय माता की आप प्रतिमा लेकर आए हैं कामधेनु माता की, उसको अच्छी तरह से गंगा जल का छिड़काव करने के बाद प्रतिमा पर उस प्रतिमा को भी स्थापित कर देना है। और दोस्तों अब आपने उस प्रतिमा के सामने एक दीपक लेना है और उस दीपक में देसी घी घी लेना चाहिए, यानी कि गाय का घी ही हो तो उस गाय के घी को लेकर उस दीपक को लगाना है। दीपक प्रज्वलन करने के बाद आपने कामधेनु गाय की षोडशोपचार विधि से पूजन करना है और कामधेनु के पूजन के बाद भगवान विष्णु का भी पूजन करना है। दोस्तों भगवान विष्णु को पूजना एकादशी के दिन सबसे बड़ा उपाय ही होता है। इसके बाद आपने कांसे का बर्तन, जल वो कामधेनु लेकर किसी भी ब्राह्मण को आपने दान कर देना है। ये चीज़ें ब्राह्मण को ही दान करें, उससे आपको इसका फल मिलता है। दोस्तों ये कामधेनु अनुष्ठान है जिसे करने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अब आपने एक ताज़ी रोटी बनानी है, उसी वक्त एक रोटी बनानी है और उस रोटी को अच्छी तरह से घी से चुपड़ लेना है, घी उस पर अच्छी तरह से लगा देना है। और दोस्तों एक गुड़ की डली लेनी है, गुड़ की ढेरी छोटी सी लेनी है और उस रोटी में डालकर उस रोटी को लपेट लेना है। उसके बाद आपने हरा चारा लेकर किसी भी नज़दीकी स्थान पर, अपने नज़दीकी किसी गाय या अपने घर की गाय हो तो भी चलेगा, उस गाय के पास जाना है और सर्वप्रथम आपने जो गुड़ और रोटी आप लेकर आए हैं और उस गुड़ और रोटी को आपने अपने दाएं हाथ से गाय माता को खिला देना है। उसके बाद गाय माता को हरा चारा लेकर गाय माता को खिला देना है अपने दाएं हाथ से और बाकी का जो हरा चारा है वो गाय माता के आगे रख देना है। अब दोस्तों आपने गाय माता के कुबड़ पर हाथ फिराते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना है और आप चाहें तो 108 बार जाप करें तो सबसे बेहतर रहता है। दोस्तों ऐसा करने के बाद आपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और दोस्तों माता लक्ष्मी गाय माता को हाथ जोड़कर आपने अपने ज़िंदगी में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे आग्रह करें, आर्थिक पारिवारिक और मानसिक किसी भी प्रकार की समस्याएं बाधा आ रही हो, चाहे आपके करियर में बाधा आ रही हो, हाथ जोड़कर उस बाधा को दूर करने और ज़िंदगी में सक्सेस सफलता का रास्ता अपनाने के लिए और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए उनसे आग्रह करें और अपना जो है मार्गदर्शन करने के लिए उनसे आग्रह करना है। तो दोस्तों इसे करने से आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और ज़िंदगी में एक नई दिशा मिलती है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए ये निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि निर्जला एकादशी का कितना बड़ा महत्व है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आप लोग इसे अपनाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा प्राप्त हो और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय गो माता, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण लिखकर भी हमें भेज सकते हैं, हमें बेहद ही खुशी होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे बड़ी बात आप घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय गौ माता।